हो चुका है। आज इस अवसर में हमारा इनॉग्रेशन किया और प्रेस मीडिया के साथ मुझे याद है कि मैं जब इस जगह पर करीब 1.5 साल पहले आया था तो उस वक्त ये कल्पना की गई थी कि ये जो सेंटर बंद पड़ा हुआ है उसे रिवाइव किया जाए और यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देने के कार्य किए। आज उसी कड़ी में हम सब ने मिलकर इस दशर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है जिसे हमारी संस्था आदर्श खादी ने इंप्लीमेंट किया है। मैं समझता हूं कि आज उड़ीसा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि ये यूनिट जो है वो उड़ीसा का पहला यूनिट है जहां पर यार्न का प्रोडक्शन उड़ीसा में शुरू हुआ। उड़ीसा अपने सिल्क की साड़ियां और उसके प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन जरूरत यह थी